कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज का पहला क्लास लेखपाल के लिए, जैसा कि आपसे वादा किया गया था और वादा के मुताबिक मैं आपके सामने 10 बजे एग्जैक्टली मौजूद हूँ। तो आज की क्लास में हम लेखपाल की पहली क्लास मैथ्स का, और वो भी चैप्टर कौन सा होगा, परसेंटेज का, स्टार्ट करेंगे। हम जैसा आपसे बताए थे कि जीरो से लेके एडवांस लेवल तक इस पूरे मैथ्स के चैप्टर में, इवन मैथ ही नहीं, हर सब्जेक्ट में जीरो से एडवांस लेवल तक बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए और बिना देरी करते हुए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सूचना आपको बता दें, जानकारी बता दें कि ये पूरा जो लेखपाल का बैच है, ये 10+ कोर्स के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। 10+ कोर्स क्या है, जो नहीं जान रहे हो वो अभी समझ जाओ। इसमें 10 कोर्सों का समागम है, 10 ऐसे कोर्स जो एक साथ पढ़ाए जाएंगे। UP SSSC, पुलिस विभाग के, UPPCS, इन सारी परीक्षाओं के, कहने का मतलब इन शॉर्ट के यूपी के राज्य स्तरीय होने वाले सारे परीक्षाओं को विशेष कर इस कोर्स के अंदर रखा गया है, जो निःशुल्क है। इसमें आपका वीडियो निःशुल्क है, क्विज निःशुल्क है, केवल PDF के लिए आपको 499 रुपए का 3 महीने हेतु सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको 3 महीने तक सारे PDF मिलते रहेंगे। ये उसके कुछ फीचर हैं। वीडियो क्लास पर आधारित उच्च गुणवत्ता की अध्ययन सामग्री भी मिलेगी PDF में। क्लास एवं अध्ययन सामग्री पर आधारित डेली क्विज होंगे, समय समय पर टीम द्वारा मार्गदर्शन एवं रणनीति। चलिए इसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग जो भी इच्छुक होंगे, और कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। लेकिन हम बिना देर के हुए सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। तो परसेंटेज की बात अगर मैं आपसे करूं, परसेंटेज की हिंदी क्या होती है, प्रतिशतता। इंग्लिश में उसे परसेंटेज बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे होगा, आखिर आपने अपने जीवन में सर्वप्रथम परसेंट शब्द कब सुना था? एक बार विचार करिए, एक बार सोचिए, अपने जीवन में जाइए। जब आप बचपन में बच्चे थे, तब आपने सबसे पहले परसेंट शब्द सुना था। कब सुना था? जब आपका रिजल्ट आया था। शायद आप 4th-5th कक्षा में, जब आपको कुछ समझ में आने लगता है, बोलते हैं थोड़ा बहुत होश में कुछ आने लगता है, तब आप परसेंटेज का मतलब समझे थे। और वो परसेंट का मतलब तब समझे थे जब आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा था कि बेटा आपका कितना परसेंट आया, किसमें, एग्जाम रिजल्ट में कितना आया। और जब अगर छोटी क्लास का ना ध्यान हो तो 10th class का तो सभी को ध्यान होगा। और उस समय और समझ में आया होगा जब बोले होंगे पापा कि बगल वाले पड़ोस के अंकल के लड़का इतना परसेंट पाया है और तुम तो बेटा इतना ही पाए। तब समझ में आया होगा, यार मेरा परसेंटेज ज्यादा होता तो मुझे भी वाहवाही सुनने को मिलती। समझिएगा बात, परसेंट का जरूरत क्यों पड़ा और हम क्यों यहां पे पढ़ेंगे, मैथ्स में क्यों जरूरी है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब उस समय सीन बनी थी आपके साथ कि आपका रिजल्ट निकला था और मम्मी ने पूछा था कि बेटा कितना पाए, तो उनका पहला जवाब, पहला क्वेश्चन ये था कि कितना नंबर पाए। समझिएगा, आपने बोला कि मैं 450 नंबर पाया, आपने बोला क्या 450 नंबर पाया हूं। और जब मम्मी ये बोली आपसे कि बगल वाला बेटा, जो बगल वाला पड़ोस के अंकल का बेटा है, वो तो तुमसे ज्यादा पाया है, वो कितना पाया है, 480 पाया है। लेकिन मम्मी क्योंकि उस समय नहीं समझ रही थी कि ये 480 पाने वाला जो लड़का है ये कौन है, ये यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहा है, यूपी बोर्ड, और ये कौन है, CBSE बोर्ड। आप समझिएगा बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो CBSE बोर्ड का लड़का है वो 450 पाया है और यूपी बोर्ड का कितना पाया है, 480। तो मम्मी को तो सीधा सीधा समझ में आया कि ये जो पड़ोस का अंकल का लड़का है ये आपसे ज्यादा अंक पाया है। लेकिन शाम को जब पापा आए तब आपको क्या समझाए कि बेटा आप जो 450 पाए हो वो कितने में पाए हो, 500 में पाए हो, और ये जो 480 पाया है वो 600 में पाया है। अगर मैं आपको ये बता ना रहा होता या पापा शाम को ना आए होते तो आपको लग रहा था कि हाँ, मम्मी को लग रहा था कि बगल वाला बच्चा ज्यादा नंबर पा गया है और आप कम पाए हो। लेकिन बाद में सीन क्लियर हुआ। अभी यहां पे हम परसेंटेज निकाले तो 450 बटे 500 गुणे 100, यानी कि ये जाएगा कितना, 90% के बराबर। और अगर हम 480 बटे 600 करें तो ये जाएगा कितना,
80% के बराबर। अभी मुझे बताओ भाई, कौन ज्यादा पाया, आप कि पड़ोस वाला आपका दोस्त? आप ज्यादा पाए कि आपका दोस्त ज्यादा पाया? जब आपसे मम्मी ने पूछा कि बेटा कितना परसेंट है, तब आपने 90% बताया, तो आपका सीना चौड़ा हो गया, मम्मी भी खुश हो गई, और बगल वाले पड़ोसी क्या, अंकल का लड़का क्या हो गया, कम नंबर पा गया। लेकिन उससे पहले जब सीन ये थी, मम्मी ने पूछा था कि आपका 450 और उसका 480, तो ज्यादा कौन दिख रहा था, ज्यादा ये दिख रहा था। तो एग्जैक्टली हम ये पता लगा पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए क्या जरूरी है परसेंटेज। अगर ये परसेंटेज ना होता तो क्या आप समझा पाते मम्मी को कि नहीं मम्मी मैं ज्यादा बेटर हूं उस बच्चे से? इसलिए परसेंटेज हमेशा शुरू से ही लेके अभी तक आपके एग्जाम में एक अच्छा टॉपिक भी बना रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, पूरे मैथ की बात करें, तो अर्थमेटिक का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बहुत सारे आने वाले चैप्टर आपका इसके बाद प्रॉफिट लॉस, CISI, तमाम ऐसे चैप्टर हैं जो इसी के कॉन्सेप्ट पे लगने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के चलना होगा, बहुत अच्छे से समझ के चलना होगा, और एक एक मीनिंग समझ के चलना होगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगा, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, हाँ परसेंट का मतलब क्या होता है, लिखता है परसेंट, हिंदी में क्या लिखता है, प्रति। इन दोनों में अलग अलग मतलब है। परसेंट जब आपने, फिर से वहां पे आता हूं कि ये 450 नंबर आप पाए थे और 480 नंबर आपका दोस्त पाया था, पड़ोसी का बंदा पाया था, लेकिन हम क्या ऐसा कर दिए कि यहां पे हमें पता चल गया कि आप ज्यादा बेटर थे, परसेंटेज निकाल लिए। और परसेंटेज कैसे निकाल लिए, आप ध्यान दिए होंगे कि दोनों तरफ क्या किए थे, 100 से गुणा किए थे, नीचे आप टोटल मार्क्स लिखे थे और 100 से गुणा किए थे। तो ये जो 100 है इसी का रोल है, ये जो प्रति बोलता है, प्रति मतलब पर और सत मतलब 100, यही आपका क्या है, परसेंटेज है। मतलब कि जब हम किसी चीज को 100 में देखते हैं, 100 में देखते हैं, तब क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत प्रति 100, यानी प्रति पर 100। और ये जो सेंट वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड यानी फ्रांस से आया हुआ है, वहां से लिया गया। जैसे यहां पे क्या होता है, हम लोग रुपया होता है, रुपया में पैसा लेते हैं, 100 पैसा बराबर 1 रुपया, ऐसे ही वहां पे होता है, जो उनकी करेंसी है वहां पे सेंट चलता है, और जो छोटी करेंसी होती है वो सेंट चलता है, तो 100 सेंट बराबर 1 उनकी करेंसी आती है। तो यहीं से ये सेंट आया, परसेंट जो हम 100 में लेते हैं तो परसेंट बोलते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर मैं 100 में बोलूं 20 तो क्या हो जाएगा, 20%। अगर मैं बोलूं 30 किसमें, 100 में, तो आप क्या बोलोगे, 30%। अगर मैं बोलूं 40 100 में कितना, तो आप बोलोगे 40%। लेकिन मैं बोलूं 5 8 में, तो आप बता पाओगे क्या, एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप इससे परसेंट बोल रहे हो, ये 20% बोल दे रहे हो, इसे 30% बोल दे रहे हो, इसे 40% बोल दे रहे हो, इससे परसेंट नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कंपैरिजन 100 का दिख रहा है और यहां पे कंपैरिजन 100 का नहीं दिख रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट इसे परसेंट नहीं बोल सकते हो। और परसेंट बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी समझिए, हम बहुत बेसिक से एक एक शब्द को समझते चलते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी ऐसा समझिए, पेपर आपका होने में समय भी है, हमारे पास भी समय है, आपके पास भी समय है, तो क्यों ना चीजों को बहुत विधिवत पढ़ा जाए और बहुत अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे और हर क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, तो यहां पे प्रतिशत मतलब पर 100, और हम अगर 20 को 100 में बात किए तो 20% बोल सकते हैं, 20% बोल सकते हैं, लेकिन 5 का 8 में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम यहां पे अभी कंपेयर नहीं किए हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें इस 8 को क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से यहां पे जो वैल्यू आएगी तब हम निर्धारित कर पाएंगे क्या, परसेंट। बात समझ में आ गई। अभी और इसे अच्छे से मैं समझे, मैं बोलूं 4 20 में, तो क्या आप परसेंट बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 100 नहीं दिख रहा है, तो 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे 100 करने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, 5 से, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। और समझिएगा बात, अगर यहां पे हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहां पे भी 5 से गुणा करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 20।
बात समझ में आ गई। अब आप कह लोगे जैसा 4 20 में है वैसे ही 20 100 में है, तो यानी कि ये क्या है 20%। अभी आपको 100 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 100 दिख रहा है, इसलिए आप इसे अच्छे से बता पाओगे क्या है परसेंट। बात समझ में आ गई परसेंटेज क्या है, ये समझ में आ गया परसेंटेज आप सबसे पहले सुने कब थे, ये समझ में आया परसेंटेज जरूरत क्यों होती है, ये समझ में आ गया कि परसेंटेज हम कब सही सही बोल पाएंगे। तो दूसरे पॉइंट पे हम फिर से आते हैं कि परसेंट की जरूरत क्या पड़ी, परसेंट क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, हम किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा वो सीन का जब आपकी मम्मी ने बोला था कि बेटा तुम्हारा तो इतना ही परसेंट आया, बगल वाले बच्चे का इतना नंबर आ गया, तुम्हारा तो इतना नंबर आया, तो मम्मी आप क्या कर रही थी उस बच्चे से आपका मार्क क्या कर रही थी, कंपेयर कर रही थी। और कंपैरिजन तो आपके बचपन से आपके अंदर भरा होता है कि नहीं भरा होता है? भाई पड़ोस वाले बच्चे के पास जब आप छोटे थे, पड़ोस वाले बच्चे के पास ये खिलौना है, ये वाली साइकिल है, मेरे पास ही नहीं, कंपेयर किए थे, पापा आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे, मम्मी आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते थे, बगल वालों के पास ये गाड़ी है आपके पास ये गाड़ी नहीं है, इनके पास इतना धन दौलत है आपके पास नहीं है, इनके पास इतनी जमीन है आपके पास नहीं है, ये इतने अमीर हैं आप नहीं हो, ये शुरू से ही तो कंपेयर करते आ रहे हैं। और तो और जैसे जैसे बड़े होते चले गए, इनके पास ये बाइक है हमारे पास ये बाइक नहीं है, और बड़े होते चले गए ये रजनीगंधा खा रहे हैं हम कमला पसंदी खा रहे हैं, समझ रहे बात को। तो ये एक कंपेरिजन तो आप शुरू से करते आए हो, शुरू से ही कंपेरिजन करते आ रहे हो, और वही कंपेरिजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब आप अपनी जिंदगी में कंपेयर कर रहे हो, जब आप अपनी जिंदगी में मैथ लगाते आ रहे हो, तो बोर्ड पे मैथ लगाना, कॉपी पे मैथ लगाना, एग्जाम में मैथ लगाना क्यों मुश्किल हो रहा है, एकदम मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान है, कैसे करेंगे। तो जब जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो एक बात समझ में आना चाहिए, हम 100 की बात करेंगे, और इसी 100 को जब हम थोड़ा ये उलट के इधर 0 को ले आए तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, और हमने बोल दिया ये क्या है, परसेंट का सिंबल है। समझ में आ गया, हम जब इस 0 को उठा के इधर ले आए तो ये क्या आ गया, परसेंट का सिंबल आ गया। तो जहां जहां भी हम ऐसा साइन देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये परसेंट का सिंबल है। इसका एक मतलब और है, ये कुछ ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब इसे अगर और घुमा दे तो ये कुछ ऐसा लिखा है, मतलब जब जब हम ऊपर नीचे कुछ फ्रैक्शन में लिख देते हैं और 100 से कंपेयर कर लेते हैं तब तक हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। तो ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी, अभी आप इतना समझ गए कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज की जरूरत क्यों पड़ी, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। अभी अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करने की बात करें, क्योंकि भैया डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये तो पूछेगा नहीं कि कंपैरिजन क्या होता है, ये तो पूछेगा नहीं कि आपका हाई स्कूल में मार्क्स कितना था, पूछेगा आपसे सवाल, तो सवाल हमें करना होगा, और सवाल करने के लिए हम सबसे पहले आपके सामने आते हैं। तो पहला ही सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 360 है तो वह संख्या है। देखिए हम क्वेश्चन करते चलेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मिक्स करके चलेंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटने वाला है, बहुत धैर्य के साथ आप चलते चलिए। और एक बात और बता दूं, ये जैसे ही हम करीबन एक क्लास में 15 क्वेश्चन को कवर करेंगे, 15 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन आपका टॉपिक पे होगा, जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो चॉकलेट क्वेश्चन होगा, चॉकलेट क्वेश्चन आपको खुद उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में, तो लास्ट में आपको चॉकलेट क्वेश्चन मिलेगा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, जिसे आपको लगा के बताना होगा और ये समझाना होगा कि आपको क्लास में कितना कुछ समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। तो उत्तर सबको देना है, चॉकलेट क्वेश्चन देखने के लिए हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी लगाने की कोशिश करो, यदि किसी संख्या का 60% 307 है तो वह संख्या क्या है। अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं लगाने की बात करूं, समझिएगा, अभी इस क्वेश्चन को लगाने की बात करूं तो मैं अभी आपसे बोला था क्या, कंपैरिजन आपसे बोला था, ये क्वेश्चन भी कंपैरिजन पे ही लगेगा। अभी आप बोलोगे कैसे लगेगा, तो मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे हम अपनी जिंदगी में चीजें कंपेयर करते आ रहे थे, वैसे ही हम यहां पर भी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, एक बात आप समझिएगा कि यदि किसी संख्या का 60% 360 है तो वह संख्या है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। दिमाग में बिठा लीजिएगा ये बात, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरे चैप्टर में लगने वाला है, पूरे मैथ्स में लगने वाला है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपके पास एक टंकी है,
इस टंकी में आधा पानी भरा हुआ है, क्या है? मैं बोलूं कि इस टंकी में आधा पानी आपका भरा हुआ है। अभी आधा पानी भरा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं टंकी का कितना, आधा, हाफ। और टंकी का अगर मैं हाफ बोल रहा हूं तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 50%। अगर ये टंकी थोड़ी और भर जाए, है ना, ये पूरा टैंक है, टैंक है पूरा, ये टैंक थोड़ा और भर जाए, मैं कह रहा हूं कि इतना हो कि सपोज करिए पूरा 10 लीटर है, जब आधा भरा था तो कितना था, 5 लीटर था, मैं 1 लीटर और भर दूं तो मैं बोलूंगा ये कितना भर गया है, 60%। मैं 1 लीटर इसमें और भर दूं तो बोलूंगा 70% भर गया है, और इसमें 2 लीटर और मिक्स कर दूं तो मैं बोलूंगा क्या हो गया है, 100% हो गया है। तो कोई भी चीज अपने आप की क्या हो गई, 100% हो गई। ठीक ऐसे कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, कोई संख्या हो, वो सब कुछ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं बोलूंगा एक संख्या कोई 50 है तो 50 अपने आप का कितना है, 100% है, और 50 का आधा कितना होगा, 25, तो ये 25 कितना है, 50% है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, जब आप इस बात को समझ पाओ कि कोई भी चीज 100% होती है। मैं बोलूं कि आपकी उम्र आप में कितनी है, 100% है। आप कितनी तनख्वाह पाते हो वो कितना है, 100% है। आप कितना पढ़ते हो वो अपने आप का 100% है। दिन के कंपेयर में कम, लेकिन आपके परसेंटेज में क्या होगा, 100% होगा। तो कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, समझते हैं। यदि किसी संख्या का 60% 360 है तो संख्या है। अब 100% में क्या बोला कि 60% कितना है, 360। मेरे लिखने को फॉर्मेट देखिएगा, कुछ हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे, 60% 360 के बराबर है तो वह संख्या कितनी है। मैंने अभी अभी क्या बोला कि कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। तो अगर संख्या का 60% आपको 360 मालूम है तो संख्या का 100% निकाल लो, अब वो संख्या क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो 60% बराबर 360, तो 100% बराबर 360 बटे 60 गुणे 100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 60 छह बार जाएगा, सॉरी ये छह बार जाएगा, तो 6 × 100 कितना हो जाएगा, 600। वो संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। फिर से समझिएगा मैंने क्या किया, मैं बहुत बेसिक से बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाएगी, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो ये बोल रहा था कि 60% 360 के बराबर है, वह संख्या क्या है। हमने बोला कि कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, तो भाई अगर 60% बराबर 360 है तो हम 100% निकाल दे तो वो चीज पता हो जाएगी, वो चीज क्या है, वो संख्या है, यानी कि 100% बराबर हम पता कर लेंगे। पता करने के लिए 360 के नीचे 60 गुणे 100 हमारा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम ऐसे कंपेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम कुछ और बेसिक देख लें, कुछ और बेसिक देख लें कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिर परेशान होने लगते हैं कि परसेंटेज कैसे इवेल्युएट किया जाता है। तो मैं एक बार बता दूं परसेंटेज इवेल्युएट कैसे करते हैं। सपोज करिए कि आपको निकालना है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें से निकालना होगा तो 20 को ऊपर लिखेंगे, 50 को नीचे लिखेंगे और 100 को गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज निकल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, 40%। तो ऐसे ही परसेंटेज हम निकालते हैं। आपने अपने स्कूल में भी जब आप 450 नंबर पाए थे, आप 500 में कैलकुलेट किए थे तो यही तो किए थे, 450/500 × 100, और यहाँ पे ये 0 0 कट हुआ था, ये 5 इसे कितनी बार ले गया था, 90, तो ये कितना आ गया था, 90% आपका परसेंटेज उस आपके क्लास में बना था। तो प्रतिशत जब निकालना होता है तो हम अपॉन में जिसमें से निकालते हैं उसे करते हैं उसके बटे में, और 100 से गुणा करते हैं, और जो परसेंटेज निकलता है उसके साथ ये सिंबल हमेशा होता है। तो यहां से एक बात और पता चली कि जब जब आपको ये सिंबल लगाना होगा तो 100 से गुणा करना होगा, और जब जब ये सिंबल हटाना होगा तब 100 से भाग करना होगा। कैसे, आप समझिएगा, मैं बोलूं कि 20% 50 का कितना है, तो 20% 50 का कितना है, आप क्या करोगे, परसेंटेज को हटाना है तो नीचे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे और गुणे इस बार 50 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 जाएगा और कितना हो जाएगा, 10।
यानी 50 का 20% कितना हो जाएगा 10। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 50 और 20 1000, और 100 से भाग दे दो परसेंटेज हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा 10, तब भी आ जाएगा। तो जब भी आपको परसेंटेज हटाना होगा तब आप 100 से भाग दोगे, जब आपको परसेंट लगाना होगा तब आप 100 से गुणा करोगे। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन मैं यहाँ पे आपको जरूरी समझा बताने के लिए, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे लेकिन एक एक बहुत छोटी छोटी बात भी हम समझते हुए चलेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में 20 जोड़ने पर संख्या का 45% प्राप्त होता है, वह संख्या है। समझिएगा, ये फिर से क्वेश्चन किस पे लगेगा, कंपैरिजन पे लगेगा। हम एक एक बात को, एक एक क्वेश्चन को कैसे कितनी अच्छी तरीके से, कितने ही बढ़िया ढंग से कंपेयर करते हैं, ये बात हमें इन सारे क्वेश्चन में पता चलेगा। तो लगाना शुरू करते हैं कि संख्या का 40% में 20 जोड़ दिया जाए तो 45% पता चल जाता है। समझिएगा, ये 40% है, इसमें 20 जोड़ दिया तो क्या मिल गया, 45% मिल गया। समझ में आ रही बात को, संख्या का 40% है उसमें से 20 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया, 45%। अरे भाई, जब मैं 20 जोड़ा तो फायदा कितने का मिला, फायदा मिला केवल 5% का। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, जोड़ रहा हूं 20 और बढ़ कितना रहा है 5, तो आप बोल सकते हो कि ये 5% बराबर क्या होगा, 20 के होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताओ यहां पे। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं कंपेयर ही तो कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं किसको, भाई यहां पे जो बढ़ोतरी हो रही है और वहां पे जो बढ़ोतरी हो रही है उसी की मैं क्या कर रहा हूं, तुलना। और अगर मैथ की भाषा में बोलूं, गणित की भाषा में आपको समझाऊं, तो तुलना करने का मतलब होता है एक रियल वैल्यू को एक वर्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना। जब आप परसेंटेज की बात करते हो तो एक वर्चुअल वैल्यू होती है, आपको पता नहीं होता है, ये अवास्तविक वैल्यू होती है, आपको पता नहीं होता है कि आखिर ये संख्या है क्या, कितना हो सकता है, 40% किसका। अगर हम मैथ की भाषा में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 40% ऑफ एक्स, अगर मान। समझिएगा, इसी को अगर हम थोड़ा और बेसिक से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक से लगाने की कोशिश करते हैं फिर उसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 40% में 20 जोड़ने पर संख्या का 45% प्राप्त होता है। किसी संख्या के 40% में, भाई बचपन में आपके अध्यापक ने क्या पढ़ाया था मैडम ने आपको, कि माना कि संख्या बराबर क्या, एक्स, यही तो मानते चले आ रहे हो, है ना, माना कि संख्या बराबर एक्स। अब संख्या को x मान लिए तो x का 40% निकालने के लिए x गुणे 40/100 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, भाई 40% लिखोगे, परसेंट हटाने के लिए 100 आएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया। और इसमें जब आप 20 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, संख्या का 45%, तो 45% ऑफ क्या करोगे, x करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, 45% ऑफ x। और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और ऑफ हटाओगे तो क्या आएगा यहां पे, तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को लगा लो भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, 20 उधर जाएगा, ये 40 को आप उधर कर दो आराम से, तो ये 20 बराबर इधर लिख लो, और ये 45x/100 माइनस का 40x/100 क्या लिख सकते हो, 5x/100 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 गुणे 100 बराबर 5, क्या आएगा उत्तर आपका, 400 आएगा। ये आपका कन्वेंशनल तरीका है, आप इसे देखो तो वो संख्या, ये आपका सब रियल वैल्यू है, x भी आपका एक रियल वैल्यू है, 40/100 भी एक रियल वैल्यू है, ये 20 भी रियल वैल्यू है, ये 45/100 भी एक रियल वैल्यू है, सब कुछ वास्तविक है। लेकिन हम जब इससे पहले कर रहे हैं तब यहां पे क्या कर रहे हैं, ये एक अवास्तविक संख्या है, ये कंपेरेबल वैल्यू है, किसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें एक रियल वैल्यू जोड़ रहे हैं, और ऐसे ही डायरेक्ट किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हैं। और यही कारण है मैं यहां पे इक्वल नहीं लगाया, यहां पे क्या लगाया, एरो लगाया। समझने की कोशिश करिएगा, मैं फिर से उसी इक्वेशन को अगर लिखूं, अगर उसी इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूं, समझिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, 40% प्लस 20
बराबर 45%। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैथ बुरा मान जाएगी, मैथ गुस्सा जाएगी, बोलेगी भैया कहां से पढ़ के आए हो, मेरी ऐसी तैसी करवा रहे हो। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी आपसे मैं पूछूं कि कहां गलत हो रहा है, तो आप एक बार विचार करिए और सोचिए कहां गलत हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी रियल वैल्यू नहीं है और ये रियल वैल्यू है, दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हो। कि जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। मैं बोलूं मेरी उम्र क्या है और मैं बोलूं मेरा वेट क्या है और दोनों को मैं एक साथ ले लूं, दोनों को एक साथ जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकता हूं ना। या मैं ऐसे समझो कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे के पास चार आम है ना, और किसी दूसरे के बच्चे के पास क्या है, पांच संतरे, समझिएगा। तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि दोनों को मिला के नौ फल है, लेकिन क्या बोल सकता हूं कि नौ आम है, नौ आम तो नहीं हो जाएगा ना, संतरा संतरा रहेगा और आम आम रहेगा। सिमिलरली यहां पे है, परसेंट और रियल वैल्यू को आप जोड़ नहीं सकते हो, और यही कारण है मैं इक्वल ना लगा के यहां पे क्या लगाता हूं, एरो लगाता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझते हुए चलना है। तो यहां पे जब हम कंपेयर कर रहे थे, एक बार फ्रेश लगाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम क्या कर रहे थे, 40% प्लस 20, इससे 45% से कंपेयर कर रहे थे। तो हमने देखा था भैया जब हम जोड़ 20 रहे हैं तो अंतर केवल 5 का पड़ रहा है, तो इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि 5% बराबर क्या हो जाएगा, 20। और 5% बराबर 20 हो जाएगा, प्रश्न में आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या है। तो अभी अभी मैंने आपसे बताया कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, तो आप अगर 100% निकाल लो तो संख्या पता हो जाएगी कि नहीं पता हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो आप यहां से यहां पे आने के लिए क्या किए हो, 20 से गुणा किए हो, तो यहां से यहां पे भी आने के लिए 20 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 400। अभी बोलोगे ये क्या कर दिया सर, आप जादू कर दिए, यहां पे 20 से गुणा किए, वहां पे 20 से गुणा किए, 400 उत्तर आ गया। देखिए कोई जादू वादू नहीं है, मैथ है और ये सब कुछ प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, 3 महीने अच्छे से पढ़ो, डेली क्लास करो, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जो आपको प्रैक्टिस है पीडीएफ में दिया जाएगा वो करो, 15 क्वेश्चन क्लास के करो, 15 क्वेश्चन क्विज के करो और वो पीडीएफ में करो। जब आप 30 क्वेश्चन एक दिन में प्रैक्टिस कर लो और जो आप इधर उधर किताब लगा रहे हो उस किताब को लगाते रहो, या हम जो सीट प्रोवाइड करेंगे उसे लगाते रहो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये जादू आप भी कर लोगे, कोई जरूरी है। लेकिन आप समझिए, मैं इस स्टेप को फिर से समझा दे रहा हूं कि जब ये 5% बराबर 20 था तो हमें 100% निकालना था, ये 20 है ध्यान रखिएगा, 100% निकालना था, तो हम करेंगे 20/5 × 100, यही तो करेंगे, अब तो खुश हो गए है ना, वही तो कर रहा हूं। 1% और 100 के लिए क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 20, तो 50। जो कट करने के बाद 20 था वो मुझे पहले ही पता चल गया था, और इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। चलिए बिना देरी किए हुए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ में अगर आपको आ गया हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 70% से 15 अधिक है, वह संख्या क्या है। समझिएगा, अभी अभी मैंने आपसे बोला, क्या बोला भाई, जो मैं बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सही सही आपसे बोल रहा था कि कोई संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है, और क्वेश्चन भी तो वही कह रहा है कि अगर वह स्वयं के 70% से 15 अधिक है, मतलब उसे 100% होने में कुछ और चाहिए। एक संख्या स्वयं के 70% से 15 अधिक है, संख्या अपने आप में कितनी, 100%, उसकी 70% यहां, तो ज्यादा कौन, 100% की 70%, ज्यादा तो यही, और ये इससे कितना ज्यादा है, 15। भाई अभी समझना, आप बोलोगे ये तो इससे 30 ज्यादा है, 15 कहां, तो यही तो मैं समझा रहा हूं, यही तो कंपेयर करना है। ये 30 आपका रियल वैल्यू नहीं है, ये 30 आपका परसेंट वैल्यू है, और ये 15 आपका रियल वैल्यू है, और आप तुलना करते हो एक परसेंट वैल्यू का एक रियल वैल्यू से। तो लगाने के लिए क्या करोगे भैया, साफ साफ बोलोगे कि 30% बराबर अगर 15 है, 30% बराबर अगर 15 है, तो आप बोलोगे कि 100% आपको पता चलना चाहिए। वही तो पूछ रहे, वह संख्या क्या है, और संख्या अपने आप की क्या होगी, 100% होगी। तो 100% बराबर हो जाएगा 15/30 × 100, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2 और इसे 50। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, एक लाइन में अगर आप निकालते तो आप सीधा बोलते, इस दिमाग में लगा सकते थे ये 70% है, संख्या 100% है, आप देखते 30% 15,
ठीक है। और आसानी से कैसे लगा लेंगे, एक एक तरीका मैं बताऊंगा कि एकदम जादूगर हो जाएंगे आप लोग। 30% बराबर 15, ये इससे आधा जा रहा है, तो जब आप 100 करोगे तो इससे आधा ही तो जाएगा 50। एक सेकंड में उत्तर लगा के आप चलते चले जाए हीरो की तरह, है ना। तभी मैं बोल रहा हूँ जीरो से हीरो इसी क्लास में बनना है, एक एक क्वेश्चन देखते चलिए मजा आता चला जाएगा। चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, भावनाओं को समझिएगा, अलग मत ले जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 400% 96 है, इस संख्या का 75% क्या है। अब वो खेलना शुरू कर दिया कहां, आपकी भावनाओं के साथ। अभी अभी तो सब 100% की बात कर रहा था, अब एक पहुंचा दिया 400% और एक पहुंचा दिया 575%। कुछ बच्चे अपनी जिंदगी में तो 100% से ज्यादा सुने ही नहीं थे। हाँ सही बता रहा हूं, बहुत बच्चे अभी मैं बोल दूं 200% तो ऐसा लगता है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। 200% कैसे हो गया, है ना। 400% कैसे हो गया, 100% तो समझ में आ रहा था, 200% कैसे हो गया। तो 200% भैया हो सकता है। यहां पे मैं आपको थोड़ा फ्रैक्शन कन्वर्जन समझाऊंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन के आगे आऊंगा। मैं बोला हूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट समझने की बारी फिर से आ गई है। चलिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिएगा बात को। यहां पे 400% लिखा था 400%, ये 400% कुछ हवा में नहीं लिखा था। 400% मतलब किसी चीज का कितना, चार गुना। कितना, चार गुना। अगर ये 200% होता तो कितना, दो गुना। अगर ये 100% होता तो कितना, एक गुना। अगर ये 50% होता तो कितना होता भाई, बोलते जाओ साथ साथ में, चाहे जहां बैठो। देखो एक बात दिमाग में रखना, पढ़ने आए हो तो कॉपी किताब साथ में लेके बैठना, एक नोट और एक कॉपी। ये नहीं कि लेटे लेटे हो, टांग ऊपर है, आप एकदम आराम से पढ़े हो, फोन ऐसे पकड़े हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे अच्छा है मत पढ़ो, फोन बंद कर दो, जाओ कुछ खाओ पियो, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। पढ़ना है तो एक कॉपी उठाओ, जो जो बताता चला जा रहा हूं साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाओ, बहुत मजा आने वाला है। 50% हाफ के बराबर होगा। अगर मैं 25% के बारे में बात करूं तो कितना होगा, एक चौथाई होगा। अगर मैं 10% की बात करूं तो ये कितना होगा, 1/10 होगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे 5% की बात करूं तो ये क्या होगा, 1/20 होगा। 1% की बात करूं तो ये 1/100 होगा। 0.1% की बात करूं तो 1/1000 होगा। इसके आगे आपको नीचे दिख ही नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं हम दिखाते हैं आपको। इतनी बात समझ में आ गई। हम और नीचे जाएं, 0.001%, है ना। चलिए अभी एक छूट गया है, सीरीज से चलते हुए 0.01% बराबर क्या होगा, साथ साथ बोलते चले जाओ, 1/10000 होगा, होगा कि नहीं होगा। 0.001% बराबर क्या होगा, 1/10000। नीचे और बढ़ा दो, अब तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ मंत्र थोड़ी फूंकना है, एक नीचे जीरो ही तो बढ़ाना है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं ये परसेंटेज की वैल्यू जैसे जैसे कम होती चली जा रही है, नीचे का फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता चला जा रहा है। ये आप 1/00 बढ़ाते चले जाओ, एकदम अनंत तक चलते चले जाओ, रुको ही मत। बोलो जितनी हमारी कॉपी उतना हम भर डालेंगे तो ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। ये किसके नजदीक आ जाएगा, 0% के नजदीक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, किसके नजदीक आ जाएगा, 0% के नजदीक में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ फ्रैक्शन हैं, कुछ इससे अच्छे भी फ्रैक्शन मिलते हैं, जैसे 1/3 हमेशा आपका क्या होगा, 0.33। या अगर हम परसेंट में बात करें तो ये क्या होगा, 33% के बराबर हो हमेशा। अगर हम 2/3 की बात करें तो ये 0.66% की बात करें तो 66.66, यहाँ पे 33.33% होगा, ऐसे 66.66% बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, 1/3, 2/3। एक संख्या की और होती है 50/3, इसकी वैल्यू क्या होती है, 16.66 या 16.3%। 50/3 करोगे तो 16, 2/3 यही तो आएगा, और 100 से गुणा कर दोगे तो वही आएगा। ये 2/3 ही क्या होता है, 0.66%। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो 50/3 देगा वही आपका 16 सही 2/3% देगा।
बस तो ये आपका फ्रैक्शन है और उधर आपका परसेंटेज चल रहा है। ये कुछ टेबल मैंने इसलिए लिखवाई है ताकि आपको समझ में आए कि जब परसेंटेज बढ़ता है तो उसका गुणा कैसे बढ़ता है। आपने सुना होगा ना, कभी कभी न्यूज़ देखते होगे तो बोलते होगे कि इस कंपनी को 1000% का फायदा हो गया। ये सुनते हो कि मेडिसिन में 500% का फायदा होता है। 500% सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, अरे है केवल 5 गुना। जो 1 रुपए का सामान है 5 रुपए का बेच रहा है, काम खत्म। लग रहा है 500% बहुत बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं हो गया, सब वैसा ही है। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से इसे देखते चलेंगे। पहली क्लास है, पहली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उतना ही मजा आएगा। ये एक संख्या का 400% 96 है, इस संख्या का 75% होगा। 400% 96 के बराबर है, यही तो मैं बोल रहा हूं, 400% 96 के बराबर है। तो आपको किससे मतलब है, बड़े वाले 100% से। और बड़े वाले 100% से मतलब है, मतलब कि ये 96/400 × 100। अच्छा आप बार बार ये मत किया करो, आप आसानी से कर सकते हो। ये 400 से 100 में आने में 4 से ही तो भाग दोगे, तो यहां भी 4 से भाग दे दो, और यहां पे 4 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 100% = 24 हो गया, और 100% = 24 हो गया तो 75% नहीं निकाल लोगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसे 100 को भी बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। अभी समझिएगा कैसे ला सकते थे। हमने यहां पे लिखा कि 400% = 96, तो सिर्फ 75% ही तो पूछ रहा है। आप बीच के सारे स्टेप हटा दो, 96/400 × 75। डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, कट कर लो इसे, है ना। और ये भाई नीचे 100 आएगा और यहां पे 24 आएगा, ये 25 है और 100 है तो ये 75 है, तो 25 × 75 = 100, और यहां पे जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 3 से गुणा होके कितना दे देगा, 18 दे देगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है, सिंपल सा आपको एक लाइन में करना था। 400% = 96 तो 75% = क्या, आप 100 में भी कंपेयर कर सकते थे, आप 75 में भी कंपेयर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या के 180% में से 40 घटाने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। फिर स्वयं शब्द आया, और मैं फिर बोलूंगा जब जब स्वयं शब्द आए तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कोई भी संख्या अपने आप की स्वयं की कितनी होती है, 100% होती है। तो बस एक संख्या के 180% में से संख्या खुद की कितनी थी भाई, 100% थी, बढ़ के कितनी है, 180% है। और इसमें से क्या कर रहे हो, 40 जब घटा दे रहे हो तब आपको क्या मिल जा रहा है, संख्या मिल जा रही है, वो संख्या क्या है, खुद की 100% है। अभी वही वाली क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, बीच में इक्वल मत लगाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा, मैथ गुस्सा आ जाएगी, जिंदगी भर नहीं आएगी। मैथ को अगर समझ में आना है तो कुछ उल्टा सीधा मत करना। 180% - 40 = 100%। अभी आप देखो यहां से यहां का अंतर कितने का है, 80% का। जब यहां से यहां आने के लिए आपको परसेंट में कितना माइनस करना पड़ेगा, 80 का, और रियल वैल्यू में कितना माइनस करना पड़ेगा, 40। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, क्या बोलोगे भैया, 80% = 40 तो 100% = क्या। फिर से वही बात, ये यहां से होने में आधा हो रहा है तो यहां पे कुछ अलग हो जाएगा क्या, कुछ अलग नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और आप एक सेकंड में अपना उत्तर क्या मार दोगे, 50। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आनी चाहिए। जहां पे भी बात समझ में नहीं आएगी आप प्रीवियस फिर से जाके आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, पक्का, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के 40% तथा उसी के 30% में 50 का अंतर है, संख्या का 70% क्या होगा। फिर से बोल रहा हूं, संख्या के 40% और संख्या के 30% में 50 का अंतर है। जब आप 40% से 30% में आए तो कितने का अंतर आया परसेंटेज में भाई, 10%। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अपना ही गाथा गा रहा है, बोल रहा है 50 का अंतर। अब इसकी बात माने या अपनी माननी, तो हमें प्रश्न की ही बात पड़ेगी। तो यहां पे क्या है, 50। लेकिन आपको मैंने अभी अभी सिखाया है कि ऐसी कोई दुविधा आपकी जिंदगी में आए तो आप क्या लगा डालो, परसेंटेज, आप कंपेरिजन लगा डालो। 10% = क्या हो जाएगा, 50। तो 100% = क्या हो जाएगा, 500। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई, आई ना, आई तो फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार समझिएगा कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आप लोग थोड़ा लाइक शेयर और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, वरना फिर समझ लीजिए मैथ गुस्सा आ जाएगी, आपको कभी नहीं आएगी, बाकी आप समझदार हो। चलिए, एक परीक्षा में राम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, उस जबकि रवि 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा में क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए, अभी जो मेरा मॉड्यूल है पहली क्लास का, आप समझिएगा सारे वो क्वेश्चन जो कंपैरिजन पे आधारित हैं, जिससे आप तुलना कर सकते हो, वो कहीं का भी आपको लगेगा अरे तुरंत ही ये कहां सब क्वेश्चन आ गए, जो थोड़े से भी जो होशियार होते हैं ना, एक दो पढ़े होते हैं थोड़ा बहुत, एक तो होते हैं एकदम अनपढ़ जिसे आप लोग हो, एकदम पढ़ के नहीं आए हो, और एक होते थोड़ा सा पढ़े होते हैं, तो उन्हें तुरंत उत्सुकता होने लगती है अरे अभी से ये क्वेश्चन कहां डाल दे, पहले क्लास में डाल दे, खत्म करवा देंगे क्या, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। सब बहुत अच्छे से टाइप वाइज चलने वाला है, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। अभी हम कंपैरिजन सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कंपैरिजन, जो आप बचपन से करते आए थे लेकिन जहां अप्लाई करना था वो नहीं किए थे, वो हम आपको सिखा रहे हैं, कंपेयर करना सिखा रहे हैं। प्रश्न सारे देखेंगे और ये वही सारे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप समझिए, जब परीक्षा में आते हैं तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, नहीं समझ में आता, यहाँ पे इतनी आसानी से लगा ले रहे हैं आप, तो कुछ तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है, वही तो यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए, एक परीक्षा में राम 35% अंक प्राप्त कर रहा है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 35% अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंक से फेल हो जा रहा है, ये लो 30 अंक से फेल हो गया, राम फेल हो गया तब बाकी क्या, जबकि रवि 30%, रवि कितना पा रहा है 30% पा रहा है और वो कितने से फेल हो जा रहा है 80 अंक से फेल हो जा रहा है। हिंदी में लिख दे वरना हिंदी वाले गुस्सा जाएंगे, है ना, फेल हो जा रहा है, 30% पाके 80 अंक से फेल हो रहा है और 35% पाके 30 अंक से फेल हो रहा है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा और अच्छे समझेंगे, क्या करूं, आप सीधा एक लाइन खींचो। लाइन क्यों खींचाऊं कि ये आपका क्या है, पासिंग मार्क है ये, जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे केवल कंपेयर सिखा रहा हूं, कैसे कंपेयर सिखा रहा हूं, उसका यूज क्या है वो बता रहा हूं। सपोज करिए ये उसका पासिंग मार्क है ना, जाहिर सी बात है जब 35% पा रहा है तब भी फेल हो जा रहा है, 30% पा रहा है तब भी फेल हो रहा है, ये 0% है और ये मान लो 100% है, तो जो पासिंग मार्क है वो 35% से तो ज्यादा होगा, तो यहां पे कहीं 35% और यहां पे कहीं 30%, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये है राम, कौन है राम, और ये कितना अंक पा रहे हैं, ये 35% पा रहे हैं, तो कितने अंक से फेल हो जा रहे हैं, समझिएगा बात को, ये फेल हो जा रहे हैं 30, साफ साफ तो वही लिख रहा है 35% अंक प्राप्त करके 30 से फेल हो जा रहे हैं, और ये भाई साहब 30% अंक पा रहे हैं तो कितने से फेल हो जा रहे हैं 80 से। मैं जूम कर रहा हूं ताकि ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आए, देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 0% की लाइन है, उधर 100% है, ठीक, ये 0% 100% है, 35% पा रहे हैं तो पासिंग मार्क से 30 अंक दूर है, 30% पा रहे हैं तो पासिंग मार्क से 80 दूर है, यहां से यहां का दूरी कितना है 5% की, परसेंट की बात करें, और अगर रियल वैल्यू में बात करें तो दूरी कितनी है, ये पूरा 80 और 80 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 50 बचेगा कि नहीं बचेगा, 50 बचेगा, ठीक, आराम से 50 बचेगा। तो ये जो 5%, ये 50 है, 450 लिखा है, 50 लिखा है, ठीक है ना, ये 5% है और ये 50 है, तो आपको कंपेयर ही तो करना है, ये 5% का अंतर 50 के बराबर है तो 100% क्या होगा, 100% क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि 100% कोई भी चीज अपने आप की पूरी होती है, दूसरे शब्दों में कोई भी चीज अपने आप की यानी स्वयं की क्या होती है, 100% होती है, तो 100% निकाल लेंगे तो स्वयं निकल आएगा, स्वयं निकल आएगा मतलब संख्या निकल आएगी, तो 100% बराबर 5% बराबर 50, तो 100 बराबर यहां से यहां आने के लिए 20 से गुणा, 20 से गुणा 20 × 5 = 100, तो यहां पे भी 20 से गुणा कितना हो जाएगा 1000, तो ये हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 1000। देख लें ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन भी तो देखना जरूरी है,
अपनी गाथा गाना जरूरी नहीं है। ऑप्शन में 1000 बड़ा बड़ा आपको दिख गया और ये दिख गया तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के वह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 60% पुरुष हैं तथा महिलाओं की संख्या 1680 है, तो गांव की जनसंख्या बताइए। गांव वाला प्रश्न आ गया, जनसंख्या वाला प्रश्न आ गया। प्रश्न कोई भी आए, कॉन्सेप्ट क्या, एक प्रश्न हजार हो, तरीका एक हो, वही सबसे अच्छी बात होती है। एक बार समझिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या होता है ना कि कई बार इतनी बल्क की चीजें पढ़ने में लग जाते हो, इतनी फालतू की चीजें पढ़ने में लग जाते हो कि आप अपनी राह से भटक जाते हो। आप घर से तैयारी करने के लिए आते हो, आप सिलेक्शन लेने के लिए आते हो, और जितने लोग होते हैं जितनी मुंह उतनी बात आपको भटका के पता नहीं क्या कर देते हैं, सारा कूड़ा करकट आपको दे देते हैं। ये बताते हैं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब आप पढ़ने में लगते हो, लगने लगता है। आने से नौकरी लेने निकल जाते हो, पीएचडी करने, सर के बाल झड़ जाते हैं, पेट निकल आता है, राशन खत्म हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं इससे एक भी चीज बाहर की नहीं है, ना आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ना इससे बाहर आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो जब परीक्षा आएगी और आप जब हॉल में बैठेंगे तब गुरुजी की याद आएगी, बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए। तो एक गांव के 60% पुरुष हैं तथा महिलाओं की संख्या 1680 है। समझिए, मैंने अभी अभी क्या बोला कि कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो गांव अपने आप में क्या 100%, और गांव अगर अपने आप में 100%, तो गांव में 60% पुरुष हैं, तो 100 में से 60% पुरुष हैं, पुरुष मतलब मेल, सब लोग जानते होंगे ना, तो महिलाएं कितनी होंगी, 100 में 60 माइनस करेंगे बचेगी कितना, 40%, 40% आपकी कौन होंगी, फीमेल होंगी। भैया 60% अगर मेल है तो 40% फीमेल है, 60% पुरुष है तथा महिलाओं की संख्या 1680 है। अभी समझना, प्रतिशत तो पुरुष महाशय का दे रहा है, लेकिन ये संख्या किसकी दे रहा है, महिलाओं की दे रहा है, यही तो आपके साथ खेल कर रहा है। ताकि, और आप क्या करते हो, 60 बराबर 1680 गलत कर देते हो। गलत नहीं करना है, हमें यहाँ पे दिमाग भी लगाना है भाई, 1350 ग्राम सबके पास होता है, थोड़ा सा प्रयोग करो कि 60% पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी, 40%, और ये 40% बराबर 1680 क्या, 40% बराबर 1680, तो पूछ क्या रहा है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी है, 100% है, तो 40 बराबर 1680, तो 100 बराबर 1680 बटे 40 गुणे 100, 0 0 काट दो, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8, 2 आगे 0 है, उत्तर क्या आ जाएगा, 4200। ढूंढ लो गई, 4200 है, ये डी आपका उत्तर दिख रहा है, यही आपका बड़ा सा उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी के हुए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नौवा क्वेश्चन है, मैथ्स की कक्षा में 46% लड़कियां हैं। ये थोड़ा ऊपर क्वेश्चन खिसक गया है, परेशान न हो, मैं बोल दे रहा हूं। मैथ्स की कक्षा में 46% लड़कियां हैं तथा कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2480 अधिक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी क्या है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आप लगाने की कोशिश करो, मैथ्स की कक्षा में 46% लड़कियां हैं, भाई कक्षा अपने आप में क्या होगा, 100% है, इसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की बात करें तो कितनी, 46%, तो 46% लड़कियां हैं तो 54% क्या होंगे, लड़के। एक बात बताओ, क्लास में या तो लड़कियां होंगे या तो लड़के, कुत्ते बिल्ली तो बैठे नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है 46% अगर लड़कियां हैं तो 54% लड़के होंगे, इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है, अंतर कितना दिख रहा है, 54 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8% आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो तो कुछ अलग गाथा गा रहा है, वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2480 अधिक है, आपको जो लड़के हैं वो 8% ज्यादा दिख रहे हैं, ये भाई साहब 2480 बता रहे हैं, तो आपके पास रामबाण है, हथियार है, 8% बराबर 2480 कंपेयर कर लो, और 8% बराबर 2480 तो 100% बराबर निकाल लो। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, 2480 बटे 8 गुणे 100। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है, आनी चाहिए, 8 तिरक 24 और 1 310 और 100 यहां पे, तो 31000 आपका उत्तर आ जाएगा, फिर से आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, एक व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय करता है, यदि उसकी मासिक आय 18000 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। सेम क्वेश्चन है, अभी गांव 100% हुआ,
कक्षा 100% हुई तो आय भी 100% हो सकती है, जब सब 100% है तो ये भी 100% है। मैं बोल रहा हूँ, है ना, कोई माने ना माने, मैं बोल रहा हूँ कि जो इनकम है, जो आय है, जो आपकी कमाई है, जो आपकी मजदूरी है, वो क्या है, 100% है। किसकी? अपने आप की। तो अगर अपने आप की वो 100%, तो बोल रहा है कि व्यक्ति अपने आय का 60% व्यय कर देता है, 100 में से 60% अगर खर्च कर देगा तो बचेगा क्या, 40 ही तो% बचेगा। 60% खर्च कर दिया तो बचाएगा क्या, 40%, ये परसेंट है 40%। और ये क्या बोल रहा है, यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो मासिक बचत कितनी है। यहां पे थोड़ा सा आपके साथ खेला, उसने क्या बोला, उसने 100% की वैल्यू दे दिया, वो 100% की वैल्यू दे दिया और आपसे क्या चाह रहा है, 40% पूछ रहा है। तो जब आप सीधा कंपेयर कर सकते थे तो उल्टा करने में तो आप बचपन से माहिर हो, तो कर डालो उल्टा कंपेयर, सीधा 100% बराबर क्या भाई, 18,000 है कि नहीं है, तो 40% बराबर क्या, 18,000 बटे 100 कितना आएगा, 180 गुणे 40 और 18 चौक 72, यानी कि सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 7200। समझ में आ गई बात, कौन सा उत्तर सही, सी उत्तर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मजा आना चाहिए, जैसे जैसे मजा आए आप लोग लाइक करते चले जाइएगा वीडियो को। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। ठीक, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना हो। कौन सा क्वेश्चन आ गया, चुनाव का क्वेश्चन आ गया। एक क्लास सारे क्वेश्चन कवर, सब कुछ कवर, यहीं से आप हो गए पास। चलिए देखते हैं, खैर ऐसे नहीं एक क्लास में कुछ नहीं होने वाला, अभी तो बहुत सारी क्लासें लगेंगी इसी पे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे, मजा आने वाला है, यहीं पे बैठे रहिए। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों का 65%, भाई हमने यहाँ पे अब क्या मान लिया, कुल वोट मान लिया, जितने वोट हैं वो कितने 100% है, उसका 65% किसी को मिल रहा है। वही तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार, ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 65% मिला और वो 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। मतलब 65% पाएगा तो जाहिर सी बात है जीतेगा, भाई अगर ये 50% पाता तो दूसरा भी 50% पाता तो चुनाव का नतीजा निकलता, नहीं निकलता। एक यही तो ऐसी चीज है जो आपको समझ में आती है, चुनाव ही ऐसी चीज है जो आपको समझ में आती है, बाकी कुछ नहीं समझ में आता, हकीकत तो यही है। तो चलिए 65% पाके अगर जीता है तो हारने वाला कितना पाया होगा, 5, 70 और 30, यानी कि 35% हारने वाला पाया होगा। ये जीत रहा है, ये विनर है और ये कौन है, लूजर है। अंतर कितने का दिख रहा है, लेकिन अंतर आपको दिख रहा है 30% का, लेकिन क्वेश्चन महोदय क्या बोल रहे हैं कि अंतर कितने का है, 4748। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या कंपेयर करेंगे, 30% बराबर क्या लिख देंगे, देखते रहिए, 2748, 30% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, अभी तो आप अभ्यस्त हो गए हो वाला आना, क्या आएगा 2748, मैं इधर कर दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं, 2748 बटे 30 गुणे 100। बात समझ में आ रही, 1010 यहां से कटेगा, 3927 और ये 16010 आएगा तो 9160, यानी क्या आ जाएगा, ये आपका कुल वोटों की संख्या आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि गांव में 60% पुरुष हैं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है, तो बताइए गांव की आबादी कितनी है। इस क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज करिए, लगाइए भाई आप कितने क्वेश्चन लगा गए, 11 क्वेश्चन लगा गए, 11 में कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पॉज करिए देखिए आप कितना सीखे हो और उसके बाद ये लगाइए। चलिए अगर आप लगा लिए हो तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या कह रहे हैं कि गांव के 60% जो पुरुष हैं, 60% पुरुष है, सिंपल सा बोल रहा है, गांव में टोटल कितना 100%, उसमें पुरुष कितने 60%, तो 40% कौन, महिलाएं। बात समझ में इतनी आ गई, इतनी तो आ गई होगी। आप क्या कह रहे हैं, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित हैं, इस 40% की 80% शिक्षित हैं,
समझ में आया? एक स्टेप थोड़ा और हार्ड हुआ, और हमारा तरीका भी ऐसे होगा, हम क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करेंगे और क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और मजा आना उतना ही चालू रहेगा। तो उस 40% में से 80% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी है? 20%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये 20% किसका? इसका, इसका नहीं। अभी ये है 40% अपने आप का 100%। कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। ये अपने में 100% लेके खुश, ये अपने में 100% लेके खुश। अपने आप में तो ये शेर ही है, भले इसका 40% है। समझ में आ गया? बस वही वाली कहानी है यहाँ पे। चलिए, कह क्या रहे कि गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है, हमारे नजर से 20% है अशिक्षित। ये भाई साहब बोल रहे हैं 336, तो मिल गया कंपैरिजन। यही पे कर डालो कंपेयर, कर डालो तुलना। 20% बराबर 336, तो 100% बराबर क्या? यहां से यहां आने में 5 से गुणा, तो यहां से यहां भी आने में 5 से गुणा, कितना आ जाएगा? 5 से 15, 36, 180, यानी 1680 आपका ये आ जाएगा। लेकिन ये जो 1680 आया है, ये है क्या? ये 1680 यहां का 100% है। समझ में आया? यहां का मतलब कुल महिलाओं का संख्या, कुल महिलाएं कितना है? 40% के बराबर। तो फिर से कर डालो कंपेयर। अब क्या करोगे? 40% बराबर 1680, तो कुल गांव में कितना? 100%, यानी 1680 बटे 40 गुणे 100 क्या हो जाएगा उत्तर आपका? ये 00 कटेगा, ये 42 जाएगा, उत्तर आपका आ जाएगा 4200। दिख रहा है कहीं? ये आपका। तो इतना अच्छा प्रश्न था, इतना कठिन प्रश्न था, लेकिन हम कितनी आसानी से लगा लिए, और किस विधि से लगा लिए? कंपेयर करके। इसका मतलब अगर आप तुलना करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए, और यही है परसेंटेज की मेन कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी खूबसूरती और देखते हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा कि प्यार हो जाएगा आपको। यदि किसी आदमी का वेतन 5000 रुपए है और उसके वेतन में 30% का इजाफा हो जाता है, तो उसका वेतन कितना होगा? पहले कितना था? 100%। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 5000। यही तो है, 30% बढ़ जाएगा, तो 30 जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 130%। तो 100% बराबर 5000, तो 130% बराबर 5000 बटे 100 गुणे 130। आप सीधा 00 कट कर दो, 13×5, 65, यानी कि कितना हो जाएगा? पहले 5000 पाता था, अभी कितना पाएगा? 6500 पाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 15000 रुपए है, बाजार की गिरावट के कारण उसका मूल्य 8% गिर जाता है, तो वस्तु का नया मूल्य क्या है? भाई 100% था, 8% का नुकसान हो गया, बचेगा कितना? 92%। और ये यही तरीका आपका पूरा प्रॉफिट लॉस है। अगर ये क्वेश्चन लगा लिए तो प्रॉफिट लॉस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे लगे नहीं, सब लग जाएगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो 100% में से 8% निकल गया, तो 92%। 100% बराबर कितना दिया हुआ है? 100% बराबर 15000 दिया हुआ है, तो 92% बराबर नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे भाई, 15000 बटे 500 गुणे 92। 00 काट दो और उसे क्या कर लो? या डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका 8% निकाल लो, 15000 का 8%, 15×120, 1280, नहीं 1200 सीधा निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 13800। समझ में आ गया? तो इससे भी आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितनी कम है। ये कम कम दो बार लिख गया है, एक को मैं काट दे रहा हूं, इसका कोई वजूद ही नहीं है, खत्म है। चलिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से क्या है। तो समझिए ये क्या होगा, यहां पे लिखेंगे 100, यहां पे लिखेंगे 120। क्यों? क्योंकि 20% अधिक है। अभी इसको कर देंगे उल्टा, ये कर देंगे, यहां पे लिख देंगे 120, यहां लिख देंगे 100, इसे पकड़े और उल्टा कर दिए, तो 120 आया, ये 100 आ गया। हम इसके इसके बीच में अंतर देख लेंगे कितना, 20 का बटे ये लिख देंगे 120 और गुणे 100, ये आ जाएगा 1/6, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3, और मैंने बोला था 50/3 यानी 16 सही 2/3%, या 16 सही 16.66%, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा।
अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर दिए, अभी अभी तो कंपेयर करते आ रहे थे, ये पता नहीं क्या लिख दिए, 100 लिखे, 120 लिखे, 120 को 100 लिख दिए और पता नहीं क्या लगा दिए। तो यही तो आपकी कल की टॉपिक है। आगे बात समझ में? अभी तक जो हमने प्रश्न किया वो क्या था, कंपैरिजन था, और ये क्वेश्चन जो आपने किया है क्वेश्चन नंबर 15, ये नए मॉड्यूल का क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। इतना टफ क्वेश्चन एक लाइन में आप लगाओगे, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ो, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे आपको करना होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि चॉकलेट क्वेश्चन यानी कि चॉकलेट प्रश्न है, इसका नियम यह है कि हर बच्चे को जिसने क्लास अटेंड की है उसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लास पे आधारित ये प्रश्न है और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना होगा। जो कमेंट नहीं करेगा उससे मैथ बुरा मान जाएगी, उसे मैथ जिंदगी में नहीं आएगी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कपिल ने एक अनाथालय में अपने वेतन का 12% दान देने का निर्णय लिया और 2400 दान में दे दिया, तो पहले द्वारा निश्चित की गई राशि का 125% था। तो यहाँ पे भावना पता नहीं कहां से आ गई, यहाँ पे कपिल ही होना चाहिए। तो कपिल का वेतन कितना था? क्वेश्चन इतना कह रहा है कि अनाथालय में 12% दान देने का निर्णय लिया है और 2400 दान भी किया, लेकिन जो 2400 है वो पहले की निर्धारित राशि से कितना है, 125% था। तो कपिल का वेतन कितना था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको कमेंट करना होगा जो सही उत्तर होगा। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ, इन्हीं के सोल्यूशन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन आप क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करिए। इस पूरे लेखपाल के बैच में सुबह आपको टाइम टेबल दे ही दिया गया था, जिनके पास टाइम टेबल ना हो वो जो ग्रुप है आपका, ग्रुप पे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो पीडीएफ सब्सक्रिप्शन लिए हैं वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, हर जगह इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा टाइम टेबल के अनुसार। मैथ की क्लास सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, रीजनिंग की क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार सुबह 10 बजे, 2 बजे आपकी हिंदी और अभी ग्रामीण परिवेश, उसके बाद जीएस, ये पूरी क्लासेस चलेंगी। बहुत ही अच्छे से वेल मैनेज्ड वे में क्लासेस चलेंगी, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। रोज आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, इसी क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए। जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन लिए 3 मंथ का, उनको पीडीएफ दे दी जाएगी, ग्रुप में ही डाल दी जाएगी, ऐप पे लगा दी जाएगी, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा इस पे आधारित सेम जितने क्वेश्चन कराए गए हैं हूबहू क्वेश्चन, जो थोड़ा सी चेंज होंगे, वैसे आपको प्रैक्टिस सेट 15 ही क्वेश्चन की दी जाएगी, उसे आपको होमवर्क में लगाना होगा। तो आप टीम के साथ एक एक करके, एक एक क्लास अपना 1 घंटा 1.5 घंटा साथ में देके बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, आपकी तैयारी होती चली जाएगी। मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा, बेटा देखो मार्केट में चीजें बहुत हैं, भटकाने वाले लोग बहुत हैं, आपका मन हो तो भटको, आपका मन हो तो मत भटको। चीजें ये है कि आप उतना ही पढ़ो जितना आपका सिलेक्शन हो जाए, पीएचडी करने नहीं आए हो, बात बस इतना ध्यान में रख लो। चलिए इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।